गाइस दिस इज संदीप, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ संदीप्स एकेडमी पातड़ा। उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन के चलते आप लोग अपने घर में होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें इंग्लिश सीखनी तो है लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे सीखे। इस वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम दूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप लोग टाइम डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि आज तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, आज तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो सबसे पहले वो चीज़ अपने टाइम टेबल से हटा दें। ऐसा सोचना ही बंद कर दें कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि ये चीज़ ना ही तो आप कर पाएंगे। अगर आप करना शुरू करेंगे तो पहले ही 10-15 मिनट में आप लोग बोर हो जाएंगे और आपको नींद आएगी। गाइस सबसे पहले आप अपने एरिया में कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ढूंढें, दो तीन दिन उसकी डेमो क्लास लगा कर देखें। अगर आपको पसंद आए गाइस तभी ज्वाइन। जो भी आपने करना है वो इंग्लिश में करें, चाहे वो बोलें आप, चाहे वो आप पढ़ने लग गए कुछ, तो आप सब कुछ इंग्लिश सॉन्ग सुने विद लिरिक्स। जैसे कि आपने अपने हेडफोन कानों में लगा कर कोई भी सॉन्ग प्ले कर दें और इंटरनेट से उसके लिरिक्स भी निकाल लें, साथ में सॉन्ग सुने और लिरिक्स देखें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और आपका फ्लो भी उठाएं और उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट कर दे गाइस। इससे आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी। सामने खड़ के प्रैक्टिस करें, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, देखें अपने आप को गाइस। आप कभी भी टाइम डिसाइड करके मत पढ़ें। जब भी पढ़ना है जस्ट अपनी बुक खोलें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब तक आपका मन करता है तब तक पढ़ें, ना कि 1 आवर 2 आवर। आप अपने दिमाग में ये मत सोचें। अगर आप ये चीज़ सोच लेते हो ना, तो आप सोचते हो कि चलो आज तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, तो वो क्या होता है, तो आप सिर्फ टाइम को ही देखते रहते हैं, आपका ध्यान स्टडी में नहीं होता। तो आप ऐसा मत कीजिए, डिसाइड करिए कि मैं तो पढ़ूंगा, ना कि ये कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। सबसे पहले आप ये चीज़ छोड़ दें, फ्री राइटिंग करें। फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्री राइटिंग। आपने करना क्या है, शाम को या सुबह, दिन में कभी भी नोटबुक उठाएं और बैठ जाएं, जस्ट लिखना स्टार्ट कर दें। जो भी आपके माइंड में आ रहा है जस्ट लिखते चले जाएं। ये नहीं देखना कि आपने आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, उसको चेक नहीं करना, बस उसको वहीं पे रख दें। और नेक्स्ट डे भी आपने यही करना है, जस्ट लिखें। जो भी आपके माइंड में इंग्लिश आती जा रही है बस उससे लिखते जाएँ, ताकि आपकी वो हेजिटेशन। जैसे गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, जैसे मजाक में कह दिया हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे इस चीज़ को मजाक में ले जाएं। अगर आप इसको मजाक में लेके जाएंगे तभी आप सीख सकते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप इन टच। संदीप्स एकेडमी पातड़ा।